मेरे पिताजी के शागिर्द उनके पास मैं तालीम लेने जाया करता था, तो पता नहीं किस मूड में बैठे हुए होंगे, तो एकदम से वो बोले, ठहर जाओ, आज सीखने आए हो, हमने बहुत रुपया खर्चा किया है, हमने बहुत खिदमत की है हमारे उस्ताद की, हमने ना जाने कितने कितने दिनों राजा का बेटा होकर, राजा होकर पैर दबाए हैं हमारे गुरु के, तुम्हारे पिता के, फिर हमें चीज मिलेगी, एक मिनट में आए ऑर्डर लगा दिया कि हमें फला। ये चीज सुन के मेरे दिल में इतना दुख हो गया कि मैंने ये ठान ली कि मैं कलकत्ते से भाग जाऊं। 1939 का वाक्य है, मैं चंद दिनों में कुछ भी किया घर से भाग निकला। उस्ताद विलायत खान's अंकल वाहिद खान taught him the surbahar, and his maternal grandfather Ustad Bande Hasan taught him the khayal gayaki. They used to come to All India Radio Delhi from the state of Sirmaur to teach the subtleties of Vilayat Khan's khayal. It was from here that the new horizon in Vilayat Khan's sitar took shape. What was really extraordinary about him was that his instrument, the sitar, actually sang. So the style became essentially vocal, which became his gharana, and therefore that has become a very unique kind of gharana for the sitar, because sitar you do not associate essentially with the human voice. It is an instrument to be played as an instrument, not necessarily to play, because you know the most perfect instrument in the world is the human voice anyway. And here was Ustad Vilayat Khan playing his sitar with the same delicate nuances that you can get. एक स्वर को कितने प्रकार से लगा सकते हैं, एक स्वर में कितने भाव आ सकते हैं, उसमें प्रार्थना भी है, उसमें गुजारिश भी है, उसमें मोहब्बत भी है, और उसमें शिकायत भी है। एक ही मध्यम लग रहा है, लेकिन उस मध्यम के अलग अलग रूप नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ उस्ताद विलायत खान साहब में था। हर स्वर एक दूसरे स्वर से बात करने लगता था, वो बातचीत उनकी उंगलियों में, इस उंगली से कोई बातचीत है, उसका सवाल है, जवाब इससे है, ऐसा लगता था जैसे जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये बात खान साहब के सितार में ही मिली मुझे। अल्लाह के करम से हमने सबको सुना है, जितने बुजुर्ग गुजुर्ग हैं हमारी ज़िंदगी में और हम उनको सुनते आए हैं, सबको सुना है, और अब इस वक्त जितने अच्छे कलाकार हैं सबको सुना है। एक काम ये ऐसा कर रहे हैं हमारे विलायत भाई कि जो अभी तक हमने नहीं सुना था, ये तान ऐसी जाते हैं आकार की, हम ताज्जुब करके यार तान कैसे निकलती है और बड़ी सही तान जाती है। अब्दुल करीम खान साहब और इनायत खान साहब को सुनने के बाद सितार ऐसा मालूम होता है कि बिच्छू, उनका सुर का लगाना, उस टाइप से गाना और इस टाइप से बजाना, सच तो यह है कि मैं इनायत खान साहब के जैसा सितार बजा नहीं सका, इसलिए मुझे अपना अंग बदल के इस रंग पे आना पड़ा। माशाल्लाह उनका सितार शायरी करता था और शायरी की ज़बान में वो बातचीत करते थे, और उनका जो विज़न साउंड का और खूबसूरती का जो था वो एक दिशा दिखा गया पूरे। ही हैज़ गिवन अ डिफरेंट डायमेंशन टू सितार, ही हैज़ गिवन अ डिफरेंट डायमेंशन टू म्यूज़िक, एंड ही डिड रिसर्च ऑन द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सितार, व्हाट सितार इज़,
and what sitar wants to say. Whenever he played, I couldn't sit on quietly. I just move about and say, well, let me dance. So beautiful. I said, some great dancer is doing something beautiful. He could bring such loveliness in his music, a visualized person that something is happening. It is absolutely, I could see his music, not only hear his music. Able to capture the melody of the khayal on the sitar is not an easy task. But Ustad Vilayat Khan was able to achieve this feat in his tender years itself. Later in his musical journey, he introduced many innovations to enable the sitar to embody the voice of the singer itself. In this way, he realized the potential of the sitar to its zenith. तारों का जो सिस्टम था वो दो जोड़ा रखते थे, जैसे तानपुरे में दो जोड़ा होते हैं, तो इसमें भी सितार में भी दो जोड़ा हुआ करते थे। दो जोड़े को मिला के रखना एक जगह पे, तानपुरा तो आप छेड़ते रहते हैं, लेकिन सितार में तो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है प्लेइंग, तो वो जोड़े बिखर जाते थे। तो वो उन्होंने एक जोड़ा एलिमिनेट कर दिया। पुराने आप सितार कभी देखें तो काफ़ी फ्लैट पर्दे होते थे, क्योंकि मीन का काम इतना नहीं होता था पहले। फिर सितार की बॉडी, उसकी बॉडी कैसे बनानी है ताकि वो मीट हमारे को मिले, डांट का जो हिसाब किताब के मीट ज़्यादा आए, क्योंकि जो एक्सप्रेशंस वो जो म्यूज़िक में देते थे वो इस मोर ऑफ सस्टेन फॉलोइंग द वोकल म्यूज़िक एंड यू नो टोटली फॉलोइंग द वोकल म्यूज़िक। तो इसके स्ट्रोक्स ये लेकिन कहते थे जब यूं करो तो उसकी अलग आवाज आती है, यूं अलग और यूं हिटिंग इट लाइक दिस इसकी अलग, और फिर यहां से जब बजता। पहले दो सुरों की मीन चलती थी, तो अब पांच पांच सुरों की मीन, अब वो सुर भी टिकाना है, मीन भी लेना है, तो ये सब काम करने के लिए तो तबली को उसको शेप किया, उसको उसका थिकनेस बढ़ाया। जो गंधार पंचम उन्होंने क्रिएट किया है, अब एक छेड़िए तो पता चल जाता है कि वो विलायत खानी बाज बजना शुरू हो गया। Thank you.
There were many junctures in the life of Ustad Vilayat Khan, upon reaching which he always searched for a newer ideal, and like always, sustained his propensity to admit himself into the ranks of the masters. He was 3 years old when he held the sitar, and at the tender age of 8, recorded his first RPM by way of a stage performance. When he was only 10, his guru and father, Ustad Inayat Khan Sahib, passed away. However, the young Vilayat had already internalized the world of sitar from him. At 17, Vilayat Khan was a much sought-after artist on the Indian classical music scene, at a time when the bylanes of Mumbai were awakened to the music of his youthful fingers. Suron ki jo khasiyatein hain, shrutiyon ki jo khasiyatein hain, wo unki sitar mein bahut mere saath baat karte the ki dekho kishori puriya mein panjab to lagta nahi hai, hai na? To phir dekho main kaise bajata hu aur tum mujhe batao ki ye panjab hai ya nahi. Wo itna subtle bajate the कि पंचम यूज टू स्टैंड एज अ वेल्ड एंटिटी, यू सी. तो इस तरह की सुरों की नज़ाकत जो है, सुरों की रूह जो है, सुरों की बारीकियाँ जो है, वो बहुत प्यार करते थे इनसे. आई डोंट थिंक ही प्लेड फॉर द गैलरी एवर. ही लव्ड हिज म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट, दैट्स व्हाट आई थिंक. इसीलिए मैं बहुत प्यार करती थी उनसे. ही मूव्ड मी सो मच. एवरी बिट ऑफ वॉट एवर ही डिड ऑन द स्टेज, वॉट एवर मैनरिज्म्स, आई लव्ड इट इमेंसली. आई लव्ड हिम इन टोटालिटी. वॉट एवर ही डिड, आई सेड दैट इज विलाज जी. एंड हिज ह्यूमर, हिज सिंप्लिसिटी एंड द प्यूरिटी ऑफ हार्ट. अबाउट दैट ही हैड मोस्ट beautiful mind, I think so. That is what the music came from, his mind as well as his heart. मैं उनको सिर्फ खान साहब, वलायत हुसैन खान साहब नहीं समझता, मैं अपने उस्ताद जैसा समझता हूँ उनको. वो एक ऐसा महापुरुष था जो अपनी दुनिया में रहता था. इस दुनिया में रह के, इस संसार में रह के, उसकी दुनिया एक अपनी अलग थी. वो दुनिया कैसी थी? वो सुरों की दुनिया थी. चारों तरफ सुर भरे हुए होते थे, वो उसी में खुश रहते थे. Unless he had that tremendous seed of madness, that maverickness in him, I don't think he could have produced that kind of music, or that kind of life, or that kind of dressing, or that kind of genius. Tremendous genius. Ustad Vilayat Khan never ran after accolades in his life. In fact, accolades ran after him. In the 1960s, the first time he declined the Padma Shri, and after that he declined the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan as well. From the very few that he accepted, the two favorite awards he cherished, because these awards were created especially for Ustad Vilayat Khan. These were the Bharat Sitar Samrat, conferred on him by his fellow artists of India, and the second, the Aftabe Sitar, awarded to him by the late President Shri Fakhruddin Ali Ahmed. No one before him had been honored with it, nor will it be awarded to anyone in the future. उनके अपने अपने उसूल थे, कुछ वजह थी, जबकि वो कभी किसी को ना कहते थे, इसके पीछे वजह थी. वो मुझे नहीं लगता किसी ने जानने की कोशिश की होगी. He was a famous sitarist, you know, not a popular one. I have always seen him like very polite. That was a different thing, that he was not open to everyone. Okay. But otherwise, whomsoever he has met, then jisse bhi mile, wo unka ho gaya, wo quality ho gaya. He had a passion for everything which was beautiful. Anything that was beautiful. Chandeliers, you know, he had matching ones, some colored ones, you know, he had blue with the blue Persian carpet, he had green with the green Persian carpet. And he had a huge bohemian one, a red one, maroon one for the drawing room, I remember. He even had little chandeliers in the bathrooms. Unke itar ka shauk, unke pipes ka collection, unki gaadiyon ka shauk, and how we used to go for like, you know, days and days
trips from Dehradun to Bombay, from Dehradun to Kashmir, and have, you know, in 5-6 cars and have extended holidays. I never seen a kurta made more beautifully than he had it made. And he himself went and learned how to cut the kurta. Yes. And he used to cut his own kurta, as he told me. And they used to fit him beautifully. His lovely diamond buttons, but in between there were 4 different colors of roses. You see, small button ke andar ek ek phool. I said, my God, what is this? One aspect that animated the personality variety in music and feelings of Ustad Khan was film music. He has given music for umpteen classy films. Through films like Satyajit Ray's Jalsa Ghar, Merchant Ivory's The Guru, Madhusudan Kumar's Kadambari, and Meera Nair's Kama Sutra, along with diverse and popular music, the strains of the sitar too reached a film audience. He also received the National Award for Jalsa Ghar. Greetings, Raj. Tara. Tansen had imparted musical training to his daughter. Ustad Vilayat Khan too did likewise. When he saw Zila Khan, his youngest daughter's musicality at the young age of hers, he made Zila Khan his disciple. For the first time, a girl child had been made a formal disciple in 7 generations. Unki badi den hai. एक तो एक आर्टिस्ट के अलावा एक फादर एक अब्बा द वे ही हैज थॉट हिज विजन द वे ही हैज फेल्ट फॉर हिम टू बी टू हैव दिस फॉरसाइट ऑफ मेकिंग मी हिज गंडाबन स्टूडेंट वाज अगेन नॉट जस्ट अ ह्यूज गिफ्ट टू मी बिकॉज इट सेव्ड माय लाइफ. Even if he hadn't tied the ganda on my hand, I would still be singing the way I'm singing. I was singing from childhood. He tied the ganda when I was 24. He, I think, was also waiting for a public announcement where he could make a ceremony and do that and make me a formal student of his. Very proudly, he wanted me to be heard by everybody. I think it's because of the fun that I have in music, that's all, and the essence and my just the feel that I feel about music. I think he also did it because he wanted to set an example. Even if I'm not good, but he wanted to set an example, I feel, for the coming generations to know that now it is time to accept women and the girl child as respectable as a male child, a boy child. And this is what he wanted to set an example, and he did it, and only Ustad Vilayat Khan can do it. There are many people, men, who find it difficult to accept the fact that a girl child in the family is performing out. For me, it's not performance. I just share music with all of you, everybody. But for them, it's difficult to digest it. But then they are not Ustad Vilayat Khan. Are they?
You have to be an Ustad Vilayat Khan to think like him. So he set an example, and I think all us girls and women should also see how wonderfully traditional Ustad Vilayat Khan was, yet he broke the shackles of orthodoxy so beautifully in just one ceremony. On his mother's suggestion, Ustad Ji gave up his love of singing and assimilated this aspect into his sitar playing, and the singing voice within found itself in Zila Khan. The fact that she found a master and Ustad such as Ustad Vilayat Khan, and Vilayat Khan Sahib found such a devoted daughter and keen student, the one and only female artist of this great heritage. Ustad Ji has molded Zila in the subtleties of music, the execution of which makes the entire music world resound. खिदमत करना क्या, खिदमत करने में क्या उसका असर होता है और खिदमत करना कितनी तकलीफ की बात है। आपने जिला जी, आपने जो खिदमत किया है उनकी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इतना अपना समय अपने माता पिता के ऊपर देता होगा। आपने 24 घंटा उनके इशारों के ऊपर नाचा है, उनके लिए सब कुछ किया है, उनको दुनिया से दूर रखा है और उनकी नज़रों से आप उनकी नज़रों के अंदर घुस के और आपने उनको दुनिया बताई है। आप सुर से प्यार करके गाते हो और अदब करते हो सुर का, और इसीलिए आप हमेशा कामयाब रहोगी। दैट हीज कॉन्टैक्ट विथ यू इज मोर डीपर एज ए माइस्ट्रो एंड डिसाइपल, गुरु एंड शिष्य। That must be, he wanted to claim you. उनकी दुआएं हैं आपके साथ और खुदा के करम से आपको पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और मिल रहा है, और हम सब का आशीर्वाद प्यार आपके साथ है। It was philosophical, it was almost a near religious experience. He wanted to communicate and he wanted his passion to be probably for the next generation to see it through you. He must have seen that quality in you and had that vision that if anybody is going to take that to forward to the next generation, it will be. Once Ustad Vilayat Khan has said, God sent Faizan Khan for Vilayat Khan. As long as Ustad Ji was alive, he used to acquaint Faizan with the sitar and singing and all aspects of life. 1 year of his age, I have made him to play with one finger. एक बिल्कुल एक एक्साइटमेंट से आती थी क्योंकि पता है कि अब मजा आने वाला, अब मजा आने वाला है, अब एनर्जी आने वाली है, अब और एंथुजियाज्म था। और वो अगर भी कुछ स्लो सॉन्ग है, फास्ट है, सारे काम आ रहे हैं, अगर टफ भी हो गया वो ऐसे सिखा देते थे जैसे कि बहुत आसान। History repeated itself, like the time when Inayat Khan Sahib passed away, leaving a small 10-year-old Vilayat. Similarly, Ustad Vilayat Khan passed away when Faizan was just 12 years old, molding him and Zila in the art of sitar and singing. Sani re sa sani sa sanje pari ramu bane ghar. In his lifetime he had become an institution himself. He gave a different dimension to sitar. And Ustad Vilayat Khan sir was, and sitar had become one. Ustad Vilayat Khan is a star in the firmament of Indian music, who will be never forgotten for the contributions that he has made, the innovations that he brought about in the music, without distorting the purity of the classical ragas. उस्ताद विलायत खान साहब जिस वक्त सितार हाथ में लेते हैं
तो बहुत से राग और रागनियाँ हाथ बांधकर सामने खड़े हो जाती हैं कि उस्ताद किसको तलब फरमाते हैं और किसको इज्जत बख्शते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जो हस्तियाँ होती हैं वो अल्लाह के ख़ास ख़ास और ख़ास बंदे होते हैं, उनका मकाम जन्नत में ही होता है, फिरदौस में ही होता है, और हम उन्हें याद कर रहे हैं और याद करते रहेंगे, और उनका इल्म और उनकी जो जो उन्होंने दिया है हमारे भारत को, पूरी दुनिया को दिया है, वो तो यादगार रहेगा, ता दुनिया तक रहेगा। जब से मुझे आपकी नज़रें इनायत हुई है, जब से बहुत खुश हूँ, जब से आपकी एक अच्छी फीलिंग मेरे ऊपर आई है, मैं राजा से भी बढ़ के हूँ। हुज़ूर, ये नज़रे करम रखना मेरे ऊपर। इफ यू हैव टू से इन वन वर्ड about Ustad Vilayat Khan, though I know it's difficult, what was the word that you would use? I can just say that he is a vision, a beautiful vision. इतिहास थे, उनको एक इतिहास के रूप में प्रिजर्व किया जाना चाहिए।